سيد الأنبياء والمرسلين محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ممبر نور کے جلوہ بار علماء اہل سنت شورا اسلام سالانہ عرس کی تقریب میں شرکت فرمانے والے محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ غیاث دارین موتی کونین رسول وفا وجہ الصفا شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا نجم الندا عین التقا زین النقا کنز العطا کشف الغطا بحر المنن بڑے میں بلا رہے رکھ لے بار بار فون کر کر نہر السنن جمیع الشیم شفیع الامم صاحب عند و کرم حضور اکرم سید عالم نور مجسم تاج دار عرب و عجم فخر بنی آدم نبی محترم رسول معظم نیر عالم اصل کائنات خلاصہ موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک ڈالیاں نچھاور کریں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ ایک بار آؤ محبت سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ محترم حضرات میں اپنے نردھاری سمے سے 15 منٹ ویلم سے بیٹھا ہوں جس کے لیے مجھے کھید ہے مگر ایسے ماحول میں بھی آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں سے لے کر اب تک ابھی کا ہوگا شاعر اسلام فیضی صاحب کو آپ نے سنا ہمارے محب محترم حاجی حسیب صاحب نے چند منٹ کے اندر پورے مجمع میں جان ڈال دی اب تھوڑی دیر کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں بڑا شاندار جلسہ سجایا ہے آپ نے عرس کمیٹی کو بہت بہت مبارکباد صدر محترم اشفاق صاحب اور گڈا بابو صاحبان دیگر ان کے احباب ممبران عہدے داران سب کو مبارک ہو اور جس طرح انہوں نے پروردگار عالم تیرے ولی کی ایک محفل کو سجایا ہے
अल्लाह तू इनके घरों को सजा दे, दुनिया और आखिरत हर जगह इन्हें भलाई है। पहले की दुनिया हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। चार मिसरे और सुनिए, असल में इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, चौवे छक्के तो लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आवले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आवले देखें, पहाड़ काट लिया है चट्टान छोड़ दें हम, पहाड़ काट लिया है चट्टान छोड़ दें हम। चार मिसरे और सुनिए मोहब्बत से, बार बार ये सवाल होता है कि हिंदुस्तान का सच्चा वफादार है कौन, और वाकई हम वफादार हैं, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे बुजुर्गों की लाशों को दरख्तों पर लटकाया गया है तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ। चार मिसरे हाजिर हैं, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं, ये मैं जो है ना शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं, कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूं, कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूं, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं, मोहतरम हजरात आप जिस वली कामिल की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, शेख तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत शाह हाफिज लाल मोहम्मद शाह अलैहिर्रहमा, एक वली कामिल की बारगाह में हाजिरी देने और उनके रोजे अकदस पर जो मिलादुन नबी का जलसा हो रहा है इसे समाप्त फरमाने आप आए हैं, बड़े खुश नसीब हैं आप। किन संगलाख वादियों को तय करते करते अल्लाह का वली राजगान पुर आया, गालिबन उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर इलाहाबाद से तशरीफ लाए, ऐसा ही है कि फतेहपुर से आए, फतेहपुर मानीपुर यानी इलाहाबाद फतेहपुर बिल्कुल मुत्तसिल है। राजगानपुर वालों तुम खुश नसीब हो कि अल्लाह के वली का पड़ोस मिल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश नसीब हूं कि जिस शहर में हजरत पैदा हुए उसी के बाजू में शहर फतेहपुर, वहां मेरी पैदाइश है। आखिर आप मजार क्यों आए हैं,
आज उर्स की तारीख थी, घर से ही विशाल सभा कर लेते, फातहा पढ़ लेते, दुआएं कर लेते, चल चल करके गाड़ियों से उड़ीसा के मुख्तलिफ मकामात से सफर करते करते राजगानपुर आए। साल भर इंतजार किया, हजरत लाल मोहम्मद शाह अलैहि रहमा का सालाना उर्स होगा, झोलियां भर में जाएंगे, तमन्नाएं लेके जाएंगे, इरादे लेकर के जाएंगे। आज आ गए, ये दुआ तो आप अपने घर से कर सकते थे, लेकिन मजार के करीब क्यों आए? इसलिए आए कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो उस जगह से खुदा को पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। आप जलसे में शरीक होंगे, फिर कुल होगा। कुल कब होता है सदर साहब बताइए? हजरत का कुल कब होता है? परसों कुल होगा। कुल होगा, कुल की तकरीब में आप सब हाजिर होंगे। मैं बात अर्ज कर दूं ताकि आपके फायदे की हो जाए और तवज्जो करके और दिलचस्पी से समाज फरमाएं। तो आप दुआ करेंगे कुल में? दुआ में आप शिरकत करेंगे? दुआ करने वाला दुआ करेगा, आप सब आमीन कहेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे। मगर दुआ का बहुत बड़ा फायदा होता है, मोहब्बत से सुनो, बहुत बड़ा फायदा होता है। बहुत सारे लोग नाशुक्रे होते हैं, वो कहते हैं क्या बतावें, हर साल लाल शाह बाबा की मजार पे जाते हैं, उर्स में जाते हैं, अब तक दुआ कबूल नहीं हुई, अब तक दुआ कबूल नहीं हुई। हकीकत ये नहीं है कि दुआ कबूल नहीं हुई, हकीकत ये है कि डिमांड पूरी नहीं हुई। जो डिमांड लेकर आए थे वली के आस्थाने पर, वो डिमांड पूरी नहीं हुई, तो आप क्या कहते हो? दुआ कबूल नहीं हुई। कान खोल करके सुन लो, कभी ये मत बोला करो कि दुआ कबूल नहीं हुई। इसलिए अगर तुम्हारी डिमांड खुदा पूरी ना करे तो समझ लेना इस दुआ के सदके में तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, अल्लाह ने उसे टाल दिया, अल्लाह ने उसे टाल दिया। और सुनो, अगर डिमांड भी पूरी ना हो, हादसा भी आपके ख्याल में ना चले, तो कान खोल करके सुन लो, ये जो दुआ कर रहे हो ना, अल्लाह को याद कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, या अल्लाह या रहमान या हन्नान या मन्नान या गुफरान या पति या समावाते वल अर्द या खालिक समावाते वल अर्द मौला किबरिया और खुदा का जिक्र कर रहे हो ना, तो याद रखना। तीसरा फायदा आपको दुआ का बता रहा हूँ, ये जो जुमले आपकी जुबान से निकले हैं, जो आपने वली के आस्थाने पर अल्लाह को याद किया है, तो ये जुमले, ये दुआ, अल्लाह मैदान हश्र में तुम्हारे नामाए आमाल में नेकियों का जखीरा बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस वक्त जानते हो मोमिन क्या कहेगा? मोमिन कहेगा, काश हमारी और दुआएं ना कबूल होती और सारा सिला आज मैदान हश्र में मिल गया होता। इसलिए दोस्तों, जब ऐसी महफिलों में आया करो तो बावजू होकर के कुल की तकरीब में शिरकत करो, वली के वास्ते से दुआ मांगो। बहुत सारे लोग तो जानते हो मजार में दाखिल होते हैं, हाजिरी का तरीका भी नहीं मालूम। अगर एक बात भी आपने गौर से सुन लिया तो इतना बड़ा जलसा कराने की मेहनत वसूल हो गई। बहुत सारे लोग आते हैं मजार पे और जाके मजार को यूं दाबने लगते हैं, लगता है हजरत बहुत थके हैं और बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार देगा। सुनो, कान खोल करके सुन लो, मजार जाके मजार को न दावा करो, बल्कि जब अपने घर से लाल मोहम्मद शाह के आस्थाने हाजिरी के लिए चलो तो अपनी मां के पैर दबा के चला करो, बाप के सर पर तेल डाल करके चला करो, माँ बाप को राजी करके जब चलोगे और आस्थाने पर आकर के तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो सुन, तेरे उठे हुए हाथ अभी समटने न पाएंगे, खुदा की रहमत तेरी दुआ को आगोश रहमत में ले लेगी। कि ये जो बंदा मेरे वली के आस्थाने पर दुआ कर रहा है, इस बंदे से माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, अब तो अल्लाह भी राजी है और रसूलुल्लाह भी राजी है।
अच्छा पैतियाने से हाजिर हो। कहां से? पूरी तवज्जो कीजिए, जब मजार शरीफ पे हाजिरी दो तो कहां से? पैतियाने से। और चार हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चार हाथ दूर खड़े हो जाओ, फातिहा पढ़ो। और अगर जिंदगी में मुलाकात रही हो उस वली से, तो जितनी दूर उस वली से खड़े होके मुलाकात करते थे, उतनी दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो। और अगर मुलाकात नहीं हुई तो कम से कम चार हाथ खड़े हो जाओ। और सुनो, जब फातिहा पढ़ो मजार पे, तो अपना अपनी ये पीठ काबे की तरफ कर लो। तवज्जो चाहता हूं आपकी। पीठ आदाबे कुबूर में है कि जब फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। अब मोहब्बत से बताओ, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह जोर से बोलो, मुंह काबे की तरफ। और यहां क्या है, जब फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। पूरी तवज्जो है ना? नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, अब फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ काबे की तरफ। अब बात तो समझ में आ गई, जब हम पीठ काबे की तरफ करके वली की मजार पर फातिहा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा उनको, जो हमें बिदअती कहते हैं, जो हमें कब्र पूजा कहते हैं, अरे नादान देख, हमारा तरीका फातिहा देख, हमारा तरीका फातिहा देख। इबादत करते हैं तो मुंह काबे की तरफ, फातिहा पढ़ते हैं तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है। हम वली की इबादत करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत करने आए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी इस्लाम। सुभान अल्लाह। नमाज और है, नियाज और है। हजरात, बड़ा फायदा है इन वलियों की तरफ आने में, बहुत फायदा है। याद रखो, ऐसे ही नहीं आ गए, शायद आप समझते भी ना हो। बड़ी प्यारी बात मुझको याद आ गई, मिश्कात शरीफ की हदीस का मफहूम है। तवज्जो कीजिए जरा सा, बनी इसराइल का वाकया है। और जानते हो कुरान क्या कहता है? ए लोगों, बनी इसराइल के वाकयात याद करो ताकि तुम इबरतें हासिल करो। बनी इसराइल में एक शख्स ऐसा था जिसने 99 कत्ल किए थे। कितने बोलो? 99 मर्डर किया था। मगर उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अगर तौफीक दे देता तो मैं तौबा कर लेता। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मैं तौबा कर लेता। इस ख्याल से निकला। एक साहब से रास्ते मुलाकात हुई, दुआ सलाम के बाद उनसे पूछा, कहा भाई मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा? अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तौबा के लिए कोई गुंजाइश है? उसने कहा हमें जाओ, 99 आदमी को कत्ल करने के बाद अब तौबा? इंडियन होता ना तो ये कहता 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली चली है हज को। लेकिन बनी इसराइल में से था, उसने कहा तौबा वो कबूल नहीं होगी। बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह के यहां तौबा का दरवाजा आज भी खुला है। कैसा भी गुनाह हो जाए तौबा करो, अल्लाह माफ फरमाएगा। लेकिन हमारी कौम में लोगों ने अपना अपना दरवाजा तौबा का बंद कर लिया। ये जल्दी से किसी को माफ करने को तैयार नहीं होते। इंदर नाश माफ नहीं होता, इंदर अल्लाह माफ हो जाता है। जरा तवज्जो कीजिए। उसने कहा अब तुम्हें कौन माफ करेगा, अब अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसने भी दिमाग लगाया कि 99 में तो तौबा कबूल नहीं होगी, तो सेंचुरी पूरी कर दो। उठाया उसका भी मटर कर दिया, सब पूरे हो गए। आगे चला, फिर दिल में ख्याल आया कि अगर अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक देता तो मैं जरूर तौबा करता। रास्ते में एक साथ से फिर मुलाकात हो गई, उनसे फिर पूछा, कहा भाई एक मसला बताइए, मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है। और एक साहब से मसला पूछा, उन्होंने कहा तौबा कबूल नहीं होगी, तो उनका भी कर दिया, सब पूरे हो गए। तो आप बताइए मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं? सामने वाला बड़ा चालाक था, घबरा गया कि कहीं 101 व्यवहार पूरा ना कर दे। उसने कहा भाई मसला बहुत बड़ा है, मैं छोटा मोटा आदमी ये मसला नहीं बता सकता। कहा इस सामने एक गांव है, वहां चले जाओ, वहां अल्लाह के वली रहते हैं।
अरे बोलो यार सुभान अल्लाह दिल लगा के बोलो। वहां औलिया किराम रहते हैं, सालिहीन रहते हैं, वहां जाओ तो शायद वो रास्ता बता दे, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए। हजरत तवज्जो कीजिए, ये गुनहगार चल पड़ा, किधर चला है? वलियों की तरफ। जोर जोर बोलो, इधर चला है सालिहीन की तरफ, इधर चला है अल्लाह वालों की तरफ। और चलते चलते रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, रूह निकल गई, अजाब के फरिश्ते आ गए, हिस्सा आदमियों का कातिल है, इसको हम ले जाएंगे। वहीं रहमत के फरिश्ते आ गए, कहा ये अल्लाह के वलियों से मुलाकात करने जा रहा था, इसे हम ले जाएंगे। दोनों फरिश्ते खड़े हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को, फरिश्तों जमीन नाप लो, अगर ये मरने वाला अपने घर से करीब हो तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाए, और अगर मरने वाला मेरे वलियों से करीब हो तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाए। अल्लाह, ये कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा आपका, हदीस शरीफ को मफहूम बता रहा हूँ, मिश्कात शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। तवज्जो कीजिए जरा से, और अल्लाह ने इधर हुक्म दे दिया, जमीन को समट जाने लगा, जमीन समट गई। जब नापा गया तो एक बालिश्त मरने वाला अल्लाह के वलियों से करीब था। सुभान अल्लाह, देखा कितना बड़ा फायदा है, बोलो। अरे वलियों की ज़ियारत में कितना बड़ा फायदा है, अल्लाह वालों की बारगाह में आने में कितना बड़ा फायदा है। अब ये पूरा हिंदुस्तान वलियों का है, सूफियों का मुल्क है, वलियों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है। पूरी दुनिया में 57 ममालिक है मुसलमानों के, मगर नोट करो राजकानपुर वालों, जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की शहादतें हिंदुस्तान को हासिल है वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। इसी मुल्क में जब पहला सफर ख्वाजा ख्वाजा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा लिया। तन्हा नहीं, साथ में 46 औलिया इकराम, कुतुबुद्दीन बख्तियारेका की जैसी जाते गिरामी, जिनके चेहरे देखो तो लोग कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम ने दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। हमें कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो। बादशाह ने राजा ने पूरी फोर्स भेज दिया, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है, जो इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला ठहरो, हमला मत करना, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से देखने की चीज है। करीब आ गया, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है, हमारे वतन में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते, आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीन मुस्तफा का मुईन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लाल मोहम्मद शाह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी को सौंप दी और अजमेर के लिए रवाना हो गए गरीब नवाज। अजमेर जाते जाते 90 लाख को घर वापस कर लिया,
इसलिए मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं, इस मुल्क में इस्लाम फैलाया है ख्वाजा गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, इस्लाम फैलाया महबूब इलाही ने, इस्लाम फैलाया साबिर कलियरी ने, जिंदा शाह मदार ने, वारिस देवा मखदूम के चौचा मखदूम जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग देहलवी शाह जमानुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन यहिया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूम माहिम बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शाह मीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकारे महरेला। नोट करो, इस्लाम फैलाया हजरत लाल शाह बाबा ने। दिलो दमाग पर उतार लो, इस मुल्क में हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। और नोट करो, आला हजरत सुभान अल्लाह, आला हजरत, हम सुन्नियों का तो दिलो दमाग दोनों आशिकी आला हजरत सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल मान जाता है दिमाग चलता रहता है, अब कभी दिमाग मान जाता है दिल मुतमईन नहीं होता। अक्सर वो बेशकर आपने देखा होगा, मगर सलाम हो आला हजरत फाजिले बरेलवी पर कि उनकी जो भी तहकीक सामने आती है, नोट करो उलमाए किराम, चाहे ईमाने अबू तालिब का मसला हो, चाहे हजरत अमीरे माविया का मसला हो, चाहे यजीद पलीद की बात हो, जो आला हजरत तहकीक करते हैं उसे दिमाग भी मान लेता है, उसे दिल भी मान लेता है। गोया हम सुन्नियों का दिलो दमाग दोनों मुकल्लिदे इमाम अहमद रजा है। हजरात एक बात सुन लीजिए और ये बात अपने तक ना रखिएगा, अपने अपने पड़ोसियों को बता दीजिएगा, मैं पूरे मुल्क को बताना चाहता हूँ और उनके जहन पर ये बात उतारना चाहता हूँ कि भारत में हम जिस इस्लाम को मानते हैं, हम जिस इस्लाम के पाबंद हैं, यह इस्लाम हमें राजाओं से नहीं मिला, यह इस्लाम हमें मुगल बादशाहों से नहीं मिला, यह इस्लाम हमें शहनशाहों से नहीं मिला, यह हमें इस्लाम राजाओं से नहीं मिला, यह इस्लाम बाबर सहीउद्दीन से नहीं मिला, यह इस्लाम हुमायूं से नहीं मिला। भारत में हम जिस इस्लाम के पाबंद हैं वो अकबर जैसे अकबर से इस्लाम हमको नहीं मिला, बल्कि नोट करो, भारत का 20 करोड़ मुसलमान जिस इस्लाम को मानता है वो इस्लाम फकीरों से मिला है, दुर्वेशों से मिला है, वलियों से मिला। और जहां तक इस मुल्क की बात है, हम बहुत मोहब्बत करते हैं अपने वतन से, बड़ा प्यार है। ए फजू अर्दकुम फैन्हा उम्मकुम, आए लोगो अपनी मिट्टी की हिफाजत करो इसलिए कि तुम्हारी माँ है। हमें बड़ा प्यार है इस मिट्टी से, और मिट्टी से प्यार क्यों ना हो, जरा तवज्जो कीजिएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और पैगंबर मक्के वालों को समझा रहे हैं, खासतौर से रसूल की तवज्जो उमर इब्न खत्ताब पर है, और नबी चाहते हैं कि उमर ईमान ले आवे, मगर उमर के भेजे में ये बात नहीं उतर रही। तो जानते हो मेरे रसूल ने क्या किया, नसीब भाई जुमला नजर कर रहा हूं, मेरे आका ने क्या किया, अल्लाह से उमर को मांग लिया, उमर को अल्लाह से मांग लिया। राजगान पुरवानो तवज्जो करो, रसूलुल्लाह ने इस्लाम के लिए उमर को अल्लाह से मांगा, मगर करम देखो मुस्तफा जाने रहमत का कि रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान वालों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। एक बात और बताओ, हम इस मुल्क से मोहब्बत क्यों ना करें,
क्यों ना हमें प्यार हो। जहां हमारी कुर्बानियां हैं इस मुल्क की आजादी में, वही याद रखो। आला हजरत जैसे आशिके रसूल हैं इस मुल्क में, गरीब नवाज जैसे सूफी हैं इस मुल्क में, वही जब अल्लाह ने आदम से कहा आदम जन्नत से बाहर जाओ, तवज्जो चाहता हूं। तो अब जब जन्नत से आदम बाहर आएंगे तो सवाल तो ये है कि अपनी मर्जी से चले आएंगे। बड़ा अहम जुमला नजर कर रहा हूं राजगानपुर वालों, आदम से कहा बाहर जाओ, जन्नत छोड़ो, जन्नत खाली करो, तो क्या आदम अपनी मर्जी से जहां चाहे चले आए? अरे जहां खुदा ने चाहा वही तो आदम आए। और खुदा ने चाहा कहां? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सरंदीप पहाड़ी गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, आज ये बट गया तो श्रीलंका में पहाड़ी चली गई, वरना भारत में आया दम। रात का वक्त अंधेरे पे अंधेरा, अंधेरे पे अंधेरा, इबादत करते रहे, रोते रहे, इस भारत में सजदे किए आदम ने, रोए आदम, आंसू बहाए आदम ने, रुकू किया आदम ने, दुआ किया आदम ने, मुनजात किया आदम ने, रोते रहे आदम, तड़पते रहे आदम। सुबह की कुछ सफेदी नजर आई तो दो रकत शुक्राने की नमाज अदा की। यही दो रकत इस उम्मत पर सुबह के वक्त फर्ज है, ताकि फर्ज भी अदा होता रहे और एक नबी की यादगार भी बाकी रहे। तो अब बात समझ में आ गई, लौट करो भारत से मोहब्बत क्यों ना हो। अल्लाह का नबी आया भारत में, नमाज पढ़ी गई भारत में, जिब्रील ने अजान दिया भारत में, और सुनो आदम तन्हा नहीं, आदम अकेले नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर। अरे यही तो डॉक्टर इकबाल ने देखा था, आदम है पेशानी में नूरे मोहम्मदी है, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। मोहतरम सामईन किराम, बलियों से मोहब्बत करो, बोलो, और जब आया करो मजारों पे, हाजिरी दिया करो, तो यहां से भी इस्लाम सीख कर जाया करो। आज अगर आपने मेरी तकरीर बहुत गौर से सुन ली ना, तो इंशाल्लाह कोई बदअकीदा आपको गुमराह ना कर पाए, बेशक बेशक, कोई आपको बहका ना पाएगा। देखो बड़ी मशहूर सूरत है कुरान में सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा का एक टुकड़ा है इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। तवज्जो कीजिए, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, इसका तर्जमा सुनो मोहब्बत से, बहुत दिल लगाकर सुनो। आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। देखिए मैं आपको चाहूं ना तो ऐसा हंसा दूंगा कि आप कुर्सियों से गिर जाओ। ये मेरा बहुत पुराना फन है, उसको छोड़ चुका हूं। 40 साल हो गए मुल्क और बैरून मुल्क मुझे तकरीर करते हुए। मैं भी चाहता हूं कि आखिरी जिंदगी में कम से कम अल्लाह के बंदों की कुछ हिदायत हो, शायद अल्लाह ताला इसके सदके में मेरी बख्शी भी फरमा दे। तो इसलिए आप तकरीर सुनिए, तकरीर जरा तवज्जो के साथ सुनिए। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, और ए अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप भी जोर से बोलेंगे तब समझ में आएगा। बोलिए आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, बात बिल्कुल फाइनल हो गई, बस अकले सलीम हाजिर करो। आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं, मतलब क्या है? मतलब यह है आए अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए, तू चाहे जिससे मदद करा दे, तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें जोर से बोलो तेरी ही मदद चाहिए, तू गौसे आजम से मदद करा दे, ख्वाजा गरीब नवाज की मदद करा दे,
मखदूम सेमनानी से मदद करा दे, तू रईस उड़ीसा मौलाना हबीबुर रहमान से मदद करा दे, तू लाल शाह बाबा से मदद करा दे, तू आला हजरत फाजिले बरेलवी से मदद करा दे, अल्लाह तेरी ही मदद चाहिए। वाह वाह, तू चाहे जिससे मदद करा दे। और दूसरी बात सुनो, कहां है वो लोग जो ये कहते हैं गैरुल्लाह की मदद शिर्क है? अगर गैरुल्लाह का मदद करना शिर्क होता तो कभी कोई अमीर गरीब की शादी न कराता, कोई अमीर गरीब के कपड़ों का इंतजाम न करता, यतीमों की कोई रखवाली न करता, बेवाओं का कोई पुरसाने हाल ना होता। याद रखना, ये तेरा तसव्वुर घटिया है, तसव्वुर घटिया है कि गैरुल्लाह की मदद को तू गैरुल्लाह की मदद समझता है। हम अहले सुन्नत वल जमात, आला हजरत के दीवाने और मतवाले गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद नहीं समझते, हम उसे अल्लाह ही की मदद समझते हैं। अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। एक मिनट जरा सा और गौर कीजिएगा, थोड़ी तफसील करके समझा दूं इसे और आपके जहन पे उतार दूं। अभी दो साल पहले सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का क्या हाल था, जब जब कोरोना जैसी वबा आई थी। बोलो, अच्छा हिंदुस्तान के मुसलमानों का मिजाज भी अलग है। कोरोना आया, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में, पूरा मोहल्ला मस्जिद के दरवाजे पे धरना प्रदर्शन दे रहा था। हम ही पढ़ेंगे, हम ही भी जाने दीजिए, जरूर से जाने दीजिए। जब हुकूमत ने दरवाजा बंद किया तो सब कह रहे थे पढ़ेंगे, और आज दरवाजा खुला है कौन मस्जिद जाता है बताओ ना? वो भी रमजान में चले गए तो पुराने नमाजियों की खैर नहीं, तेवनी मार मार के उनको कनारे कर दिया। और जैसे ईद हुई, एक महीने का वक्त गुजरा, 11 महीने का स्टे लेके फिर बैठ गए। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आस्ताने वली पर आने वालों, आज तय कर लो कि इंशाल्लाह हम अपने सजदों से मस्जिदों को भर देंगे, हम नमाज की पाबंदी करेंगे। और ये सजदे तुम कल मैदान हश्र में फातिमा के बेटे इमाम अली मकाम के सामने लेकर खड़े हो जाना और कहना, आका हुसैन सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था, आपने करबला में सजदा किया था, हमने इंडिया में सजदा किया था, आपने खंजर के नीचे किया था, हमने नजर के नीचे किया था, आपने सजदा करके यजीदियत को मिटाया था, हमने सजदा करके बदअकीदगियत को मिटाया था। अल्लाह हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने ऐलान कर दिया, ये लोगों पीड़ितों के लिए चंदा दो, प्रधानमंत्री फंड में पैसे जमा करो। अब तुम्हारी मालूमात में हो या ना हो, मैं तुम्हें बता दूं, इस चंदे में भी माशाअल्लाह मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हर मोड़ पर मुसलमान मुल्क के साथ खड़ा रहता। तवज्जो कीजिए जरा सा, फंड मुकम्मल हो गया। वजीर आजम ये बताओ, उस पैसे को बांटने के लिए खुद आए? अरे बोलो ना, किसी शहर में खुद आए बांटने? अब हम कह रहे हैं सदर साहब से एक सैनी लड्डू ले लीजिए, जरा यहां लाके बांट दीजिए, इनको टोपी बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, सैनी और डब्बा सबको लड़ जाएगा, पब्लिक में जाके बांटना आसान नहीं होता। तो वजीर आजम खुद नहीं आए, उन्होंने क्या किया, हुकूमत के जिम्मेदारों से कहा, डीएम साहब, एसपी साहब, तहसीलदार, कानून को, लेखपाल, पीड़ितों की लिस्ट बनाओ, किसको कितनी जरूरत है, कौन मर गया, कौन बीमारी से जूझ रहा है, लिस्ट तैयार हुई, कहा इनके अकाउंट में डालो, किसी को कैश दे दो, किसी को चेक बना करके दे दो। अब बताओ मुझे, खजाना किसका है, हुकूमत का, बांट कौन रहा है, हुकूमत के अहलकार? खुद वजीर आजम खजाने को बांटने के लिए नहीं आए, बिना तशबीह और तमसील समझने की कोशिश करो,
ये कायनात का जर्रा जर्रा खुदा का है, मालिक और लैलो नहार खुदा है, सुबह शाम जिंदगी बंदगी सबका मालिक खुदा है। नोट करो, वो अहकमुल हाकमीन है, वो रब्बुल अरबाब है, वो काजी हाजात है, वो मौला है, वो किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, अलीमुम बिजाति सुदूर है। वो चाहे तो छोटी सी चीज को वसी कर दे, और वो चाहे तो वसी को समेट दे, वो चाहे तो पस्त को बुलंद कर दे, और वो चाहे तो बुलंद को पस्त कर दे। अरे वो चाहे जिसे जो चाहे अता कर दे, और जिससे जो चाहे छीन ले। वो चाहे तो जलील को इज्जत दे दे, और वो चाहे तो इज्जत वाले को जलील कर दे। वो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर काबिल है। लिल्लाहे मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है, सब उसी का है, मौला का है। अल्लाह हाकिम है, हम माकूम, वो रहीम है, हम मरहूम, वो नासिर है, हम मंसूर, वो रज्जाक है, हम मरजूक, वो माबूद है, हम आबिद, वो मस्जूद है, हम साजिद। कायनात का जर्रा जर्रा खुदा का, मिल्कियत खुदा की, खजाना खुदा का। मगर रसूल क्या फरमाते हैं? अल्लाह अता करता है, और मुस्तफा कहते हैं अना कासिम, मैं बांटता हूं। तवज्जो कीजिए, अल्लाह अता करता है, मुस्तफा बांटते हैं, और मुस्तफा ने भी ये खजाना उम्मत तक पहुंचाने के लिए अपने महबूब वलियों का इंतखाब कर लिया, और कहा अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद से तुम बांटोगे, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से तुम बांटोगे, सैयद अशरफ जहांगीर सेमनानी के छौछा से तुम बांटोगे, शाह बरकतुल्ला महरेरा से तुम बांटोगे, अहमद रजा बरेली से तुम बांटोगे, लाल मोहम्मद शाह राजकानपुर से तुम बांटोगे। खजाना खुदा का है, और बांट रहे हैं खुदा वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लाल मोहम्मद शाह, उर्से लाल मोहम्मद शाह। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, अगर वलियों से मोहब्बत है तो बस अब नमाजी बन जाओ। कल बता देना, अपने घरों में जाकर गए थे हजरत शाहजाद मोहम्मद के उर्स से कुछ नसीहत लेके आए, नमाज की तालीम लेकर आए। क्या तुम्हें करबला याद नहीं है? सारे शोहदा लड़ाई में शहीद हुए, और इमाम हुसैन नमाज में, हुसैन नमाज में सर कटाकर पता गए। नमाजियों का हुसैन है, आबिदों का हुसैन है, जाहिदों का हुसैन है, साजिदों का हुसैन है। और यही तो वजह है, इतना पाकीजा पवित्र सर इमाम अली मकाम का सजदे में कटा, तो यजीदियों ने क्या किया? इमाम अली मकाम का सर मुबारक एक नेजे पर बुलंद किया, और पीछे छोटे छोटे बच्चों को कैदी बना लिया, सैयदानियों के हाथों में पेड़ियां डाल दी गई, और ये करबला से चल पड़े, काफला लेके चल पड़े। एक लम्हे की तवज्जो चाहता हूं। वो ज़ैनब ने जब देखा था कि लाशों के लाशें पड़ी हैं, कटे हुए सारी जालिमों के कब्जे में हैं, उस वक्त हजरत ज़ैनब ने भाई की लाश से निकलते हुए कहा था, वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पर अल्लाह उसके फरिश्तों का दरूद और सलाम हो, या रसूल अल्लाह, हुसैन करबला में पड़े हुए हैं, खून में डूबे हुए हैं, आजा के टुकड़े टुकड़े हैं, आपकी औलादें कत्ल कर दी गई, आपकी बेटियां कैद में जा रही हैं, करबला की खाक इनकी लाशों पर हवा बन करके उड़ रही है। हजरत ज़ैनब की इस तकरीर से दोस्त दुश्मन सभी रो पड़े थे, लेकिन मैं इस मकाम पर पूछना चाहता हूँ, यजीदी चले तो इमाम अली मकाम का सर लेके, मैंने कहा यजीदियों ये तो बताओ, तुम करबला आए थे हुसैन का हाथ लेने, और वापस जाए तो रहे हो तो सर लेके, तुम्हें तो हाथ ले जाना था, और ले जाके यजीद से कहना था, जो देने से इनकार किया था वो ले आए, मगर हाथ नहीं ले जा रहे बल्कि सर लेके जा रहे। नोट करो, इमाम अली मकाम का ये हाथ नहीं ले जा सकते थे, क्यों?
इसलिए ये हाथ नहीं ले जा सकते थे। मेरा हुसैन जब जुल्फकार हैदरी लेकर यजीदियों का मुकाबला कर रहा था तो खुदा की रहमत मुस्कुरा रही थी, हुसैन तलवार भी चलाओ और हाथ भी बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में सर कटाया तो खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचाओ। इसलिए हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नाकारों नहंजारों बेबकारों जलील खानों को नहीं मिला। दरिया फरात पर पहरा लगा के हुसैन का हाथ ना पा सके, खेमे में आग लगा के हुसैन का हाथ ना पा सके, सज्जदानियों की चादरें छीन के हुसैन का हाथ ना पा सके, रुखसरों पे तमाचे मार के हुसैन का हाथ ना पा सके, भूखों प्यास की शिद्दत में तड़पा के हुसैन का हाथ ना पा सके, अब्बास के बाजू काट के भी हुसैन का हाथ ना पा सके, और मोहम्मद को कुर्बान करके हुसैन का हाथ ना पा सके। क्यों? हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर करम देखो गौसे आजम का, इनायत देखो ख्वाजा गरीब नवाज की, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, मेहरबानी देखो मौलाए सोहरवंद की, कि हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदके में हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों